की बड़ी खबर आपको दिखा दें। प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आरोग्य मेले में सांसद पहुंचे थे, संगम लाल गुप्ता पहुंचे थे, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद थे। विधायक आराधना मिश्रा मोना भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी और यहां पर हाथापाई की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें देखने को मिली हैं। देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे के ऊपर टूट के पड़े हैं और दोनों ही पार्टियों के समर्थकों ने एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया है। सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। आरोग्य मेले में पहुंचे थे सांसद, इसके अलावा कांग्रेस के नेता जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे, प्रमोद तिवारी यहाँ पर मौजूद थे। इसी दरमियान यहाँ पर कहा सुनी हुई और उसके बाद मारपीट हुई है दोनों ही पार्टी के समर्थकों के दरमियान। विधायक आराधना मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद थी। ब्रजेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता जुड़ गया मेरे साथ। ब्रजेश मिश्रा, क्या कुछ किस वजह से हुआ था ये विवाद? देखिए आपको बता दें कि यह आरोग्य मेला प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड में आयोजित किया गया था, जो सरकारी प्रोग्राम था जिसमें सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे थे। लेकिन इसके पहले यहां पर मुख्य अतिथि रूप से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्र मोना जो की विधायक है रामपुर खास से, वो मौजूद थी। जिसके बाद कुछ कहा सुनी हुई, एक दरोगा से बातचीत होने लगी, जिसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं आपस में भिड़ंत हो गए, उनकी मारपीट शुरू हो गया, जिसके बाद सांसद संगम लाल गुप्ता को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके अलावा जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनकी भी पिटाई हुई है, भाजपा समर्थकों को भी पीटा गया है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। सांसद संगम लाल की गुप्ता की जो गाड़ी है उसमें भी तोड़फोड़ हुई है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जी क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया? फिलहाल अभी तक सांसद संगम लाल गुप्ता धरने पर बैठे हैं, अभी किसी को हिरासत में लेने की कोई खबर नहीं है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले हैं उनको भी चोटें आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की जो घटना हुई है उस समय जो दरोगा मौजूद थे, स्थानीय दरोगा, उन्हीं से कुछ कहा सुनी हुई थी। जो कांग्रेस के नेता है बताया जा रहा है कि उन्होंने दरोगा को टोकने की कोशिश किया था, जिसके बाद जब सांसद संगम लाल गुप्ता की तरफ पहुंचे, इसके बाद कांग्रेस और भाजपा के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ंत हो गए, उनकी लड़ाई शुरू हो गई। इसी मारपीट के दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता भी घायल हुए हैं। वह किसी तरीके से उनको जो सुरक्षा कर्मी थे बचाकर ब्लॉक से बाहर निकाले हैं और वह अब एक स्कूल के पास बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जैसे जानकारी प्रतापगढ़ पुलिस महकमे को हुई है, प्रतापगढ़ से भारी संख्या में जो फोर्स है वो सांगीपुर विकास खंड के लिए रवाना हुई है। जी ब्रजेश, क्या किसी को चोट भी आई है? जी बिल्कुल, सांसद संगम लाल गुप्ता को काफी चोटें आई हैं, इसके अलावा कई समर्थक हैं उनको चोटें आई हैं, कुछ पुलिस कर्मी हैं उन्हें भी चोटें आई हैं। ठीक है ब्रजेश, आपको रोक रहे हैं और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए, मनीष शुक्ला साहब जुड़ गए। मनीष शुक्ला साहब, क्या कुछ रहा यहाँ पर विवाद, क्या आप बता पाएंगे कोई जानकारी? मनीष शुक्ला जी सुन पा रहे हैं क्या? जुड़ने की कोशिश करेंगे। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ भी यहां पर की गई है, बीजेपी कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़े हैं, हंगामा यहां पर, हाई वोल्टेज ड्रामा भी यहां पर हुआ है, हंगामा हुआ है, कई लोगों के चोट आने की भी खबर है। आरोग्य मेला में सांसद पहुंचे थे, उनकी गाड़ी में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही समर्थक यहाँ पर मौजूद थे और किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और उसके बाद यहाँ पर किस तरह से हाथापाई हुई है वही खबर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हंगामा किस तरह से यहाँ पर मचा था। हालांकि पुलिस फोर्स को यहाँ पर बड़ी तादाद में बुलाया गया है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है और किसी को फिलहाल ना तो गिरफ्तार किया गया है ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है। कार्यक्रम में यहाँ पर विधायक आराधना भी, जो कि आराधना मिश्रा मोना थी, जो कि यहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा कांग्रेस के जो नेता थे यहाँ पर, दरअसल प्रमोद तिवारी, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे थे और उसी दौरान यहाँ पर संगम लाल गुप्ता के समर्थकों को कहा जा सकता है कि वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कांग्रेस के समर्थकों में भी दोनों के दरमियान यहाँ पर मारपीट हुई है, कहासुनी हुई है। पुलिस ने हटाने के लिए जोर ज़बरदस्ती यहाँ पर की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे हंगामा ना बढ़े, लिहाजा बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लात घूंसों से एक दूसरे के ऊपर हमला भी किया गया है और संगम लाल गुप्ता के भी धरने पर बैठने की खबर है। कुर्सियां यहां पर चल रही हैं, आप तस्वीरें देखिए, कुर्सियां वहां पर चलती हुई दिखाई दे जाएंगे कुछ लोगों के हाथ में। हालांकि मोबाइल फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड ये तस्वीरें हैं, भगदड़ आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हमने ये देख भी पा रहे हैं कि पुलिस भी लाठीचार्ज करके यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हंगामा यहाँ पर पूरी तरह से हुआ है। प्रतापगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोग्य मेला में सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे थे, उसके अलावा यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी यहां पर मौजूद थे और विधायक आराधना मिश्रा मोना यहां पर मौजूद थी।
उसी दौरान यह हंगामा हुआ है। हंगामे के दौरान मारपीट भी यहाँ पर बुरी तरह से हुई, एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया, कुर्सियों के जरिए भी एक दूसरे को घायल करने की कोशिश की गई। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको हाथापाई की तस्वीरें दिखा सकते हैं और सांसद भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। सांसद की गाड़ी में तोड़फोड़ तक यहाँ पर की गई है। हालांकि पुलिस को भी सख्ती से यहाँ पर निपटना पड़ा इन तमाम हंगामा करने वाले लोगों से, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों। इन दोनों को ही तितर बितर करने के लिए पुलिस ने कुछ जगहों पर हल्के फुल्के बल का भी इस्तेमाल किया है। और साथ ही आपको बता दें, एहतियातन यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को बुलाया गया है।